सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज राइड पे तो नहीं जा सका, लेकिन आज बहुत ही लंबी ट्रिप पे निकला हूँ मैं। आज का ट्रिप मुंबई टू तिरुनेलवेली यानी कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। तो गाइस, हम निकल चुके हैं और रात में ट्रेन थी और ज़्यादा फुटेज नहीं ले पाया मैं। तो अभी फर्स्ट डे अपने ट्रेन में शुरू हो चुका है और रात कैसे गुजर गई ट्रेन में पता भी नहीं चला। मेरा लगेज पीछे पड़ा है, यहाँ पे रखा हुआ है। और तमिलनाडु में घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, दिखाता हूँ मैं अभी कैसा सीट है हमारा। मेरा स्लीपर सीट बुक किया था और मेरा नंबर आ चुका है ऊपर की तरफ, जैसे कि देख सकते हो मैं ऊपर हूँ। और इधर से ही अभी वीडियो स्टार्ट किया मॉर्निंग में, थोड़ा फेस वॉश वगैरह करके अभी ओके हुआ हूँ, तभी मैं यहाँ पे सीट किया हूँ। तो गाइस, चलिए अभी ट्रेन का जैसे कोई सीन है दिखाता हूँ आपको मैं प्रॉपरली। सो फ्रेंड्स, जस्ट देख सकते हो मैं जिस एक्सप्रेस में बैठा हूँ उस ट्रेन का नाम नागरकोइल एक्सप्रेस है। कल मॉर्निंग में निकले थे, एक दिन निकल गया, बाद में मैंने सेकेंड डे में वीडियो शूट शुरू किया था। और जस्ट ट्रेन में बहुत सारे यात्री सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन बहुत ही अच्छे से सर्विस दे रही है ट्रेन में। रायचूर स्टेशन पे पहुंच चुके और यहाँ पे मंकी सामने। सो ये मंत्रालय रोड स्टेशन मिल चुका है हमको। हमारे ट्रिप के साथ सिद्धेश भी जुड़ा हुआ है, मेरा फ्रेंड, इसके साथ ही आया हूँ मैं। इसके फैमिली की वेडिंग है, वहां पे जा रहा हूँ और साथ ही में उधर ट्रिप भी होएगा मेरा घूमने के लिए। तो अभी निकलने वाली है कुछ ही टाइम में ट्रेन। सो ये बड़ी बड़ी पहाड़ी देख सकते हो आप गाइस, एक बार विजिट कीजिए तमिलनाडु स्टेट में, जस्ट अमेजिंग व्यू है यहाँ का। सो अभी पहुँच चुके हैं गुंतकल जंक्शन स्टेशन पे। तो कुछ ही टाइम में ट्रेन निकलने वाली है, जहर जंक्शन स्टेशन पे अपनी ट्रेन रुकती है और ट्रैवल के दौरान मुझे ये बहुत बड़ी रिवर देखने को मिली, वो पूरी सूख चुकी है गाइस। जस्ट यहाँ की बहुत ही हाई हीटिंग वाली गर्मी इस कारण पूरी रेत बन चुकी है, जस्ट देख लीजिए। केरला में सबसे ज़्यादा केले के खेती की जाती है गाइस, जस्ट व्यू देखिए यार, अमेजिंग है। सफ़र डे बाय डे, आज डे टू है, दिन दूसरा, और हम पहुंच चुके हैं रेणुगुंटा स्टेशन पे। और रेणुगुंटा स्टेशन पे कुछ देर के लिए गाड़ी रुकी हुई है, तो यहाँ पे सब थोड़ा खाना वाना पानी वगैरह ट्रेन में रखा जाता है क्योंकि स्टॉक ख़त्म होते जाता है टाइम टू टाइम। तो गाइस देख सकते हो आप, और अभी कुछ टाइम में ट्रेन छूटने वाली है, आगे की तरफ जाने वाली है। तो गाइस चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट स्टॉप में। बाकी स्टेशन ओवरऑल टॉप लुक का है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इट्स कॉल्ड राइट फ्रेंड्स, केरला माउंटेन रेंज है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ऑसम लग रही है। जस्ट आप ट्रेन में टूर कर रहे हो और केरला में जा रहे हो तो ग्रीनरी इतनी सारी मिलेगी आपको गाइस। और माउंटेन रेंज तमिलनाडु की बहुत ही ऑसम है गाइस, देख सकते हो यार, जस्ट मैंने इतनी सारी क्लिप्स निकाल के रखी थी और आपको वो दिखा रहा हूँ मैं, और उसका फील मैंने लाइव लिया हुआ है, तो वो जस्ट बहुत ही यार मन से मज़ा आ रहा है देखने में। और गाइस ये जो
तमिलनाडु की माउंटेन रेंज है, जैसे देख सकते हो बहुत बड़ी चट्टान। और एक ट्रेवल करो, एक ट्रेवलर को क्या चाहिए गाइस? बस लाइफ के अंत के तक देखते रहने का, नज़ारों का मज़ा लेते रहने का। जस्ट लाइफ तो यहाँ पे एंजॉय की जा सकती है। हर एक ट्रेवलर ने एक बार ज़रूर से एक ही बार विजिट करना चाहिए इस प्लेस पे, क्योंकि बहुत ही ऑसम है केरला। केरला विजिट कीजिए। केरला जाते समय ना पाणकुड़ी इस स्टेशन को नाम सुनते ही गाइज यहाँ पे सनसेट मुझे देखने को मिला। मॉर्निंग का टाइम था। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये दिन तीसरा है। जस्ट पहाड़ियों पे बादल देख सकते हो गाइज, ये व्यू लाइफ के डायरीज में सेव होते जा रहा है। अच्छे अच्छे लोकेशन अपने ट्रेवल में मिल रहे गाइज। जस्ट देखो यार इस नज़ारे को, मैं लाइफ के डायरीज में सेव कर लिया है। और आप एक बार विजिट कीजिए और एक बार ज़रूर से देख लीजिए। जस्ट ये मॉर्निंग का व्यू बहुत ही तगड़ा लग रहा है। जैसे जैसे ट्रेन अपनी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अच्छे अच्छे सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये भी देख लो, यहाँ पे जो पवन चक्की लगी हुई है ये ट्रेवल के दौरान मुझे देखने को मिली है। और गाइज ये बादलों की परत छाई हुई है जो पहाड़ों पे, वो भी अमेजिंग लग रही है। और इसके साथ वो पवन चक्की घूम रही है, पूरे केरला में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है पूरा केरला। ओ इको फ्रेंडली केरला है गाइज, जस्ट देखो यार अमेजिंग नज़ारा। सफ़र करते करते दिन ब दिन, तीसरे चौथे दिन में हमें मॉर्निंग में बहुत ही अच्छे अच्छे पहाड़ देखने मिले। जैसे हमारे महाराष्ट्र स्टेट में सह्याद्री पर्वत रांग है, वैसे वैसे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने मिली। और दिन जैसे जैसे निकलते जा रहे थे, वैसे ट्रेन में से हमें ये रेड मिट्टी देखने को मिली। और इससे हमें ऐसे पता चला कि जैसे जैसे स्टेट चेंज होता है, वैसे वैसे वहाँ की रहनी मान जीवन मान चेंज होते जाता है और यहाँ की मिट्टी का कलर भी चेंज होते जाता है। तो जस्ट नेचर देख के आप सोच सकते हो गाइज। ये देखिए यहाँ के चट्टान बड़े बड़े। और यहाँ से जो हमारी ट्रेन का टर्न है वो आप देख सकते हो, जस्ट एक ही रेल है यहाँ से चल रही हमारी ट्रेन यहाँ पे। और सनराइज मॉर्निंग का बहुत ही तगड़ा लग रहा है। सो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है, तो जैसे ही नागरकोइल स्टेशन आएगा अभी वहाँ पे मैं उतरने वाला हूँ। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। आज का मुंबई टू तमिलनाडु स्टेट का ट्रेवल टूर वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही ट्रेवल रिलेटेड ब्लॉग अपने चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे एडिटिंग कंप्लीट होती है वैसे मैं अपने चैनल पे रेगुलरली ब्लॉग अपलोड करते रहूँगा। तो देखते रहिए चैनल को। चलिए बाय बाय।